हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तनुश्री एंड आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो कि आप गूगल के कीबोर्ड यूज़ करते हो या सैमसंग के कीबोर्ड यूज़ करते हो, आप जो भी कीबोर्ड यूज़ करते हो, आप चाहते हो कि इंस्टेंटली आपके मनपसंद भाषा को ऐड किया जाए या इंस्टेंटली, या आप चाहते हो कि यूजलेस कुछ भाषा है, मतलब आप यूज़ नहीं करना चाहते उसको ज़्यादातर, या यूज़ करते भी नहीं हो, उस भाषा को आप चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगी अपने मैसेज के इंटरफेस में। और मैं, आप देख पा रहे हो कि जब भी मैं अपने मैसेज के इंटरफेस में आ गई तो यहाँ पे गूगल का कीबोर्ड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मैं गूगल के कीबोर्ड ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि गूगल के कीबोर्ड में इंस्टेंटली कैसे आप अपने भाषा को ऐड कर सकते हो, या जो यूज़लेस भाषा है आप यूज़ नहीं करते उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए आप सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाके जो फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेजेस, वहाँ पे क्लिक करो। फिर आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो सबके मोबाइल में या सबके कीबोर्ड में ही बाय डिफ़ॉल्ट तो होता ही है। अब चाहते हो कि हिंदी इंग्लिश आप ऐड करना चाहते हो, मतलब बंगाली ऐड करना चाहते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, तो ऐड कीबोर्ड में जाओ, तो यहाँ पे आप बंगाली ऐड कर सकते हो। फिर डन कर दो। आपको जो भाषा ऐड करनी है आप ऐड कीबोर्ड में जाओ, आप सिलेक्ट करो, उसको डन कर दो। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे भाषा ऐड कर सकते हो। तमिल आपने ऐड कर लिया, फिर आप जाओ, फिर आपको गुजराती ऐड करनी है तो वो भी आप ऐसे करके ऐड कर सकते हो। आखिर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा भाषा हो गया है, आप शायद तमिल भाषा यूज़ नहीं करते या आपको तमिल ज़्यादा आती नहीं है, उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। इसके लिए आपको पेंसिल के बटन में जाना पड़ेगा, तमिल लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करो, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये तमिल डिलीट हो जाएगा, मतलब तमिल भाषा डिलीट हो जाएगा। फिर आप फिर से आप ऐड भी कर सकते हो, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके आप फिर अपने गूगल के इंटरफेस में आ जाओ। अब अपना भाषा आखिर आप फिर से चेंज करना चाहते हो कि मान लो कि यहाँ पे तो एज डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लिखा है, आप चाहते हो कि बंगाली में आप अपना भाषा में कुछ टाइप करोगे, तो ये जो स्पेस का बटन है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो बटन एक साथ काम करता है। सिमिलरली आखिर आप सिंगल सिंगल करके करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो स्पेस का बटन है, ये स्पेस का बटन लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऐसे ही इंटरफेस आ जाएगा चेंज कीबोर्ड। आप यहाँ से आप डायरेक्टली बंगाली सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि मैं अपनी भाषा में कुछ लिख रही हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, ठीक है, नाम लिख के किसी को सेंड कर दिया, तो ये चला जाएगा, ये बंगाली में हो गया। अब चाहते हो कि यही सेम लिखा आप हिंदी में टाइप करके किसी को भेजो, या जो भी हो आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो फिर बंगाली से, तो वो भी कर सकते हो। फिर आप लॉन्ग प्रेस स्पेस पे ना करते हुए आप ग्लोब पे भी कर सकते हो। जब भी आप ग्लोब पे लॉन्ग प्रेस करोगे, मतलब 1-2-3 सेकेंड होल्ड करोगे, तो फिर इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। फिर आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी सिलेक्ट करके किसी को भी आप लिख सकते हो, लाइक हाउ आर यू, आखिर आप लिख सकते हो कि कैसे हो, आखिर आप ऐसे लिखोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको भाषा चेंज करनी है तो आप फिर स्पेस को लॉन्ग प्रेस करो तो फिर इंग्लिश में भी आप लिख पाओगे, कुछ भी लिख पाओगे। तो ऐसे करके आप अपने जो गूगल के इंटरफेस हैं, गूगल के कीबोर्ड से आप अपने मनपसंद भाषा को ऐड कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने सैमसंग के कीबोर्ड से सेम प्रोसेस करोगे। इसके लिए आपको गूगल से आपको सैमसंग कीबोर्ड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके फिर आप सैमसंग कीबोर्ड, ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर सैमसंग कीबोर्ड का इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। अब आप चाहते हो कि आपके मनपसंद भाषा को ऐड किया जाए तो फिर सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाके ये जो फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेजेस एंड टाइप्स, यहाँ पे क्लिक करो। फिर जो सेकंड ऑप्शन है मैनेज इनपुट लैंग्वेजेस, यहाँ पे आप क्लिक करो। फिर आप अपने मनपसंद भाषा को ऐड करो, लाइक बंगाली ऐड करो, कर सकते हो, मतलब आखिर आप बंगाली में कम्फर्टेबल हो या बंगाली जानते हो, हिंदी ऐड करो या कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी भाषा। अब यहाँ में एक प्रॉब्लम है कि सैमसंग कीबोर्ड में आप 4 से भाषा ऐड नहीं कर सकते इंस्टेंटली। अब देखो यहाँ पे तो 4 भाषा तो ऑलरेडी हो गया है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे जो कन्नाड़ा भाषा है उसको मैं ऐड करना चाहती हूँ। जब भी मैं कन्नाड़ा भाषा में सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे इसका इंटरफेस आ जाएगा कि मैक्स टू मैक्स आप 4 लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और गूगल कीबोर्ड में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10-20 जो भी हो लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 4 लैंग्वेजेस आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको लग रहा है कि नहीं आपको कन्नाड़ा भाषा चाहिए, तो फिर आप जो पहले जो सिलेक्ट किए थे, लाइक आपको लग रहा है कि बंगाली भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बंगाली को ऑफ करके आप
कन्नड़ा में फिर ऐड कर दो, फिर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बैक करके देख सकते हो कि ये सिलेक्टेड हुआ है कि नहीं, आप देख पा रहे हो कि ये सिलेक्टेड हो गया है। फिर मैं बैक करके सैमसंग के कीबोर्ड के इंटरफेस में आ गई। अब जब मैं राइट में स्वाइप करूँगी तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हिंदी का इंटरफेस आ गया है, हिंदी में आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर जब भी मैं राइट में स्वाइप करूँगी तो फिर यहाँ पे आप गुजराती में कुछ भी लिख सकते हो। सॉरी, मुझे गुजराती मालूम नहीं है, तो मैं कोई गलती कर लिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे राइट में स्वाइप करोगे तो यहाँ पे कन्नड़ आ जाएगा, फिर कन्नड़ में आप कुछ लिख सकते हो। कन्नड़ भी मुझे नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कन्नड़ को डिलीट करना चाहती हूँ, मुझे कन्नड़ नहीं चाहिए, फिर आप सेटिंग्स में चले जाओ, सेटिंग्स में जाके लैंग्वेजेस में जाओ, लैंग्वेजेस में जाके मैनेज इनपुट लैंग्वेजेस में जाओ। आखिर आप कन्नड़ नहीं चाहते तो इस कन्नड़ को ऑफ कर दो सिंपली, और उसको बैक कर लो। फिर आप सैमसंग के इंटरफेस में आ जाओ, और जब भी आप ऐसे करके राइट में स्वाइप करोगे तो वो कन्नड़ का जो भाषा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए आप इंस्टेंटली गूगल के कीबोर्ड में अपना मनपसंद भाषा या सैमसंग के कीबोर्ड में अपने मनपसंद भाषा को ऐड कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।